सिर्फ तुम ड्रामे की नई एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले एपिसोड में अब देखेंगे कि हमजा अबीर और हनान को एक बार फिर से अलग करने में कामयाब हो जाता है और वो इस काम में सारा का इस्तेमाल करता है। और हमजा अबीर से कहता है कि हनान तुमसे कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकता, अगर वो तुमसे मोहब्बत करता होता तो वो सारा को अपनी बर्थडे में इन्वाइट ना करता। सारा को हनान के साथ देखकर अबीर का भी मूड बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है और उसकी दादो से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह से अकेली क्यों खड़ी हुई हो। तो अबीर अपनी नानी से कहती है कि आपने देखा नहीं कि सारा किस तरह हनान के आगे है। लेकिन हनान की दादी अबीर को समझाती है कि हनान तुमसे मोहब्बत करने लगा है और मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। लेकिन अबीर कहती है कि सब कुछ आपके सामने है, अगर वो मुझे चाहते होते तो वो सारा को कभी भी इस बर्थडे में इनवाइट ना करते। दूसरी तरफ हनान भी अबीर को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने सारा को बर्थडे में इन्वाइट नहीं किया, बल्कि मुझे नहीं पता वो क्यों यहाँ पर आई है। तो अबीर कहती है कि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, आपको तो बहुत ही खुशी हो रही होगी सारा को अपने साथ देख कर। हमजा ये सब कुछ इसलिए कर रहा होता है ताकि वो अबीर से अपने थप्पड़ का बदला ले सके और हनान अबीर को छोड़ दे और वो दोबारा अबीर को अपना ले।